एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत इस वीडियो में बात करूंगी आपके आज के दिन के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग के बारे में। तो 21 तारीख है, दिन है शुक्रवार, महीना है भाद्रपद, पक्ष है शुक्ल, तिथि है तृतीया। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:57 से 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल यानी अशुभ समय की बात की जाए तो 10:46 से 12:23 तक राहु काल है। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो आपको इससे बचना चाहिए और कोई भी जो है शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर नहीं करना चाहिए। बात करें तीज त्योहारों की तो आज है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज सारी महिलाओं को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.astrosej.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर कि जब 12 भावों में केतु होता है तो कैसा फल देता है। हम आपको ये बता रहे हैं, कल हमने अपने वीडियो में बताया था कि केतु जब 7वें भाव में होता है तो कैसा फल देता है। आज बताएंगे केतु जब 8ष्टम भाव में होता है तो कैसा फल देता है। 8ष्टम भाव में स्थित केतु शुभ फल देता है। यहाँ स्थित जो केतु है वो इंसान को पराक्रमी बनाता है, सदैव उद्यम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं ऐसे लोग। आप में काम को लेकर आप काफ़ी गंभीर होते हैं, खेल कूद में भी आपकी गहरी रुचि होती है, सुखी होते हैं ऐसे लोग, शीलवान व्यक्ति होते हैं, बहुत सारा जो है धन लाभ होता है। कई मामलों में सरकार से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अधिकांश मामलों में यहाँ स्थित केतु को अशुभ फल देने वाला माना गया है, इसीलिए जो है आपको दुष्टजनों की संगति अधिक प्रिय होगी। आप लोभी और चालाक भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचाने में आपको कोई हिचक नहीं होगी। ऐसे लोग जो है ऐसा करते हैं और अशुभ फल जब देने लगता है तो ऐसे बन जाते हैं। तो 8ष्टम भाव का केतु ऐसे फल देता है शुभ और अशुभ। बाकी कल बताएंगे नवम भाव के बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर, बताते हैं आज मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। क्षणिक आवेग में बहकर कोई निर्णय ना करें, यह आपको बच्चों के हितों को हानि पहुंचा सकता है। इस राशि के जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। बच्चों का स्कूल से जुड़ा काम पूरा करने के लिए मदद देने का वक्त है। आपके महंगे तोहफे भी आपके प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वह उनसे कतई प्रभावित नहीं होगा या होगी। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कार्य क्षेत्र में आप में ऊर्जा देखी जा सकती है। आज आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को समझने में भी आपसे गलती हो सकती है, जिसकी वजह से सारा दिन उदासी में गुजरेगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। बात करें उपाय की तो दूध दही घी कपूर सफ़ेद फूल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। ज़रूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो यह आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफ़ी खाली वक्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगा लेगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर भैरव जी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचाएंगे। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत हो सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। रोमांस के लिहाज से रोमांचक दिन है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और जितना हो सके इसे उतना रूहानी बनाने की कोशिश करें।
सहकर्मियों के सहयोग से आप मुश्किल दौर से जल्द ही निकल जाएंगे। यह आपको कार्यक्षेत्र में बढ़त बनाने में मददगार साबित होगा। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह भी दे सकते हैं आप। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी मिल सकता है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर 9 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन सामग्री बांटें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। गर्दन या कमर में लगातार दर्द परेशान कर सकता है, इसे नजरअंदाज न करें, खास तौर पर जब इसके साथ कमजोरी भी महसूस हो रही हो। आज के दिन आराम करना बहुत अहम है। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करें और सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदें। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। आपकी ओर से की गई लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। आपको आज ही अपने प्रिय को दिल की बात बताने की जरूरत है, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। आप जी तोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद भी कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय के तौर पर अच्छी सेहत के लिए सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों की परेशानियों और तनाव के चलते आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपको अपनी हार से कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अपने दिल की बात जाहिर करने से नुकसान भी हो सकता है। लंबित व्यवसायिक योजनाएं शुरू होंगी। यह दिन बेहतरीन दिनों में से एक हो सकता है। आज दिन में आप कई अच्छे प्लान भविष्य के लिए बना सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त किसी दूर के रिश्तेदार के घर में आ जाने के कारण आपके सारे प्लान धरे के धरे रह सकते हैं। अगर आपके जीवन साथी का मन खिन्न है और चाहते हैं कि दिन अच्छा हो, अच्छा गुजरे, तो चुप्पी साधे रहें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर 5 कन्याओं को दूध व मिश्री बांटें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। धन का आगमन आपको कई आर्थिक परेशानियों से भी दूर कर सकता है। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है। सावधान रहें, क्योंकि कोई आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जहन में आए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आज आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आज आप खाली समय में किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोकझोंक की वजह बन सकता है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज जो है घर में नीले रंग की चीजों का प्रयोग करें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरीके से आपका साथ देगा। आपके भाई बहनों में आज कोई आपसे पैसे उधार मांग सकता है। आप उनको पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं। पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। आपका बेपना प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। दफ्तर में आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या दोस्तों के लिए टाइम नहीं है, तो आपका मन खराब हो जाता है। आज भी आपकी मन स्थिति कुछ ऐसी ही रहेगी। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत ही सुखद खबर सुनने को मिल सकता है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर किसी भी कार्य से बाहर जाते वक्त जो है मस्तक पर लाल टीका लगाएं, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। अगर आप पर्याप्त आराम नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे और आपको अतिरिक्त आराम की ज़रूरत होगी। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। छोटे बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और दिली सुकून देंगे। प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार ना करें। ऐसे काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। यात्रा के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जीवन साथी के साथ कुछ तनातनी मुमकिन है, लेकिन शाम के खाने के साथ चीजें सुलझ भी जाएंगी। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर आज घर या व्यापार स्थल पर मंगल यंत्र स्थापित करके पूजा करें। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है।
आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिय आपको सदा बहुत प्यार करेगा। बड़े उद्योगपतियों के साथ साझेदारी का व्यवसाय फायदेमंद रहेगा। आज कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए अच्छा दिन है। जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी अपने आप महसूस की जा सकती है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज किसी भी पेड़ पौधे को जल दें सुबह सुबह, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। अतिरिक्त धन को रियल स्टेट में निवेश किया जा सकता है। दोस्त और घर वाले आपको प्यार और सहयोग देंगे। आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे लेकिन किसी जरूरी काम के आ जाने की वजह से यह प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है। काम में आपको पेशेवर उपलब्धियां और फायदा मिलेगा। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। आपका जीवन साथी आपकी कमजोरियों को सहलाएगा और आपको सुखद अनुभूति देगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज घर के चारों कोनों में लाल पत्थर लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि के जातकों की। आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीज़ों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। आज आपको निराशा भी हाथ लग सकती है इसके साथ ही, क्योंकि मुमकिन है कि आज आपका जो है निराशा किस एंगल से लगेगी वो ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे कि अभी एक पल में बोला मैंने कि अच्छा बीतेगा, एक पल में बोल रही हूँ निराशा भी होगी, तो निराशा होगी लाइफ पार्टनर नहीं लव पार्टनर की तरफ से। लव पार्टनर के साथ आज हो सकता है कि आप टाइम ना बिता पाएं, इसकी वजह से मन निराश रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बिजली कटौती या फिर किसी अन्य वजह से आज आपको सुबह सुबह परेशानी हो सकती है, लेकिन जीवन साथी आपकी काफ़ी मदद भी करेगा। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। उपाय के तौर पर कुत्ते को रोटी खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। और अब आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। घर की ज़रूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं, जिसके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। आपको आश्चर्य में डालते हुए आपके बचाव में आपका भाई आगे आएगा। आपको एक दूसरे की खुशी के लिए आपसी सहयोग और साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। याद रखें, सहयोग जीवन का केंद्र बिंदु है। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। इससे पहले कि वरिष्ठ को पता लगे, लंबित काम जल्दी ही निपटा लें। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। इसका चुनाव आपको ही करना है। आपका जीवन साथी अन्य दिनों की अपेक्षा आपका ज़्यादा ख्याल रखेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर नीम या बबूल की दातून आज करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। आज सभी जो है हमारी महिलाओं को फिर से एक बार हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन आता है आज, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।